नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज शिक्षक दिवस है, संपूर्ण शिक्षकों को समर्पित दिवस। तो आप सभी शिक्षकों को आज के इस मांगलिक दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज का विशेष व्याख्यान रहेगा भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु का स्थान। हमारी ज्ञान परंपरा जो एक विस्तृत, असीम, अपरिमित ज्ञान परंपरा है, उसमें गुरु का क्या स्थान है, गुरु का क्या महत्व है, गुरु की क्या भूमिका रही, शिष्यों के जीवन में परिवर्तन लाने में उनका किस प्रकार से सक्रिय भागीदारी रही, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि शिक्षक दिवस भारत में आज के दिन 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, पहले हम इस पर बात करेंगे। और वैश्विक स्तर पर शिक्षक दिवस किस रूप में मनाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। भारत में 5 सितंबर के दिन सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था। और एक कुशल शिक्षक रहे, शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्री रहे, और 5 सितंबर को उनके कुछ शिष्य उनके पास पहुंचे और उन्होंने आग्रह किया कि हम आपका आज जन्मदिन मनाना चाहते हैं, अपनी कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति समर्पित करना चाहते थे। तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन ही मनाना है, तो तुम मेरे शिष्य हो, तो इस जन्मदिन को मेरा जन्मदिन ना कह करके शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और वो केवल मुझे समर्पित ना रहे, भारत के सभी शिक्षकों को ये दिन समर्पित होना चाहिए। और ये बात है 5 सितंबर 1962 की। और उस दिन फिर उनके शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाया और शिक्षक दिवस के रूप में, और तब से निरंतर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिष्यों द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सभी देशों में शिक्षक के प्रति एक सम्मान का भाव रहता है और सभी शिष्य चाहते हैं कि उनके प्रति एक कृतज्ञता प्रकट की जाए, आभार प्रकट किया जाए। तो प्रत्येक देश में अपने इतिहास के अनुसार एक तिथि निश्चित कर दी जाती है जिसमें भी शिक्षक दिवस मनाते हैं। हालांकि किसी एक दिन शिक्षक को सम्मानित करना पर्याप्त नहीं है, शिक्षक के लिए आभार तो प्रतिदिन किया जाता है। प्रत्येक पल शिक्षक के प्रति शिष्य के मन में एक कृतज्ञता का भाव रहता ही है, परंतु एक विशेष दिन जब हम करते हैं तो उस दिन शिष्य के मन में जो भावनाएं हैं अपने गुरु के प्रति, उसे प्रकट करने का एक अवसर मिल जाता है। तो विश्व के प्रत्येक देशों में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर का दिन निश्चित किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक पुरस्कार भी दिए जाते हैं शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। और शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु शिष्यों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से ये एक उत्सव का, एक उमंग का, उत्साह का दिन होता है। और हम अपने जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी से कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा लेते ही हैं, कुछ न कुछ सीखते ही हैं। तो वे सभी हमारे गुरु कहलाते हैं, जिनसे भी हमने कुछ भी सीखा वे गुरु हैं। तो उन सब के प्रति हम आज के दिन अपना आभार प्रकट करते हैं, उनको हम शत शत नमन करते हैं। तो शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई। और भारत में ज्ञान परंपरा, उसमें शिक्षक का या गुरु का क्या स्थान रहा है, इस पर हम बात करते हैं। आज का हमारा विशेष व्याख्यान इसी पर केंद्रित रहेगा। भारत में
प्राचीनतम ज्ञान वेद माने जाते हैं, और वेद भी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचे नहीं गए, वेद अपौरुषेय कहलाते हैं। अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष द्वारा रचित न होकर के वे ऋषियों के द्वारा मंत्रों का एक साक्षात्कार किया गया था, इसीलिए कहा गया ऋषया मंत्र दृष्टा रहा, कि ऋषि जो थे वे मंत्रों के दृष्टा थे, उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया था। भारतीय दर्शन में ये मान्यता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा ऋषियों को प्रत्यक्ष रूप से मंत्रों का साक्षात्कार कराया गया था, और फिर उन ऋषियों ने उन मंत्रों को अपने पुत्रों को अपने शिष्यों को ज्ञान के रूप में प्रदान किया, फिर उन पुत्रों ने और उन शिष्यों ने आगे आने वाले अपने संतान को अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के रूप में हमारा जो प्राचीनतम ज्ञान था वह अनेक पीढ़ियों में हस्तांतरित हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति का आधार जो हमारे प्राचीनतम ज्ञान के भंडार वेद है, वैदिक साहित्य है, फिर आगे चल करके औपनिषदिक साहित्य आया, आरण्यक आए, पुराण आदि आए, तो इनका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हस्तांतरित होता रहा। इस ज्ञान को ही विद्या कहा गया। मुंडको उपनिषद में विद्या दो प्रकार की कही गई, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या से अभिप्राय है आध्यात्म की विद्या, आत्म साक्षात करने की विद्या, सविद्या या विमुक्तये, कि वह विद्या जो मोक्ष की ओर ले जाती है। तो उस पराविद्या का जो ज्ञान प्रदान करते हैं वे गुरु कहलाते हैं, और दूसरी विद्या कहलाई अपराविद्या। अपरा अर्थात जो भौतिक ज्ञान प्रदान करने वाली, सांसारिक ज्ञान प्रदान करने वाली विद्या है, उसे अपरा विद्या के नाम से जाना गया। और इसी तरह से विद्या और अविद्या भी कहा गया। विद्या से अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से था, और अविद्या कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। अ लगने से हम ये नहीं कहते कि ये विद्या नहीं, अविद्या से अभिप्राय यहाँ सांसारिक विद्या से है, विभिन्न कलाओं का ज्ञान, दर्शन का, अर्थशास्त्र का, वाणिज्य प्रबंधन तकनीकी आदि का जो ज्ञान है वे अपरा विद्या या अविद्या कहलाता है। सविद्या या अर्थकरी, जो प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है, जो व्यवसाय की ओर ले जाने वाली है, उसे अविद्या कहा गया। उसे जो पराविद्या है वो मोक्ष प्रदाता है, और जो अपरा विद्या या अविद्या है वे सांसारिक ज्ञान प्रदान करने वाली है। तो इस आधार पर गुरु के भी अनेक भेद हो गए, गुरु के लिए भी अलग अलग संबोधनों का प्रयोग किया जाने लगा, अनेक पर्याय बन गए, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, प्रवक्ता, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, अनुदेशक, व्याख्याता आदि कहा गया। भले ही ये गुरु के पर्याय हैं, परंतु इनमें स्तर के अनुसार कुछ कुछ अंतर है। स्तर भेद होने के कारण, जैसे अंग्रेजी में इसके लिए टीचर शब्द का प्रयोग किया गया, एडुकेटर मेंटर शब्द का प्रयोग किया गया, इंस्ट्रक्टर शब्द का प्रयोग किया गया। जब खेल की शिक्षा दी जाती है या कोई तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है तो प्रशिक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है तो प्रवक्ता, व्याख्याता, प्रोफेसर, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्कूल में जब प्राथमिक स्तर पर विद्या प्रदान की जाती है तो मास्टर, अध्यापक आदि कह दिया जाता है। इन शब्दों में कुछ कुछ अंतर है, पर ये सब गुरु या शिक्षक के पर्याय रूप में आते हैं। अब गुरु, आचार्य और शिक्षक, ये तीन शब्द मुख्य रूप से प्रयोग में किए जाते हैं। व्यापक रूप में हम देखें तो तीनों शब्द एक ही हैं, तीनों ही
जो हमें सिखाते हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर जब हम सीमित अर्थ में देखते हैं तो इनमें सूक्ष्म अंतर भी है। गुरु वह है जो हमें स्व का परिचय करवाता है, आत्म परिचय करवाता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, वह गुरु कहलाता है। जो हमने परा विद्या की बात की थी और जो अपरा विद्या प्रदान करने वाले थे, जो सांसारिक विद्याओं का ज्ञान देने वाले थे, वे आचार्य कहलाए और इन्हें ही आज शिक्षक कहा जाता है। जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले जो गुरु हैं, उन्हें शिक्षक या आचार्य कहकर के संबोधित किया जाता है। ये आचार्य आज प्रोफेसर अंग्रेजी में उनके लिए कहा जाता है। तो दोनों का ही उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है, शिक्षा प्रदान करना है, जीवन जीने की कला सिखाना है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुरु को सर्वोच्च पद का अधिकारी माना गया और सर्वोच्च पद है परम ब्रह्म का, परमात्मा का। तो उपनिषदों में, वेदों में, पुराण ग्रंथों में गुरु को अव्यक्त परम ब्रह्म के रूप में कहा गया। कहीं भी किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम ईश्वर वंदना के साथ साथ गुरु वंदना की जाती है। और गुरु वंदना करते हुए सदैव यही मंत्र बोला जाता है, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस तरह से गुरु को अव्यक्त परम ब्रह्म के, गुरु ही ब्रह्मा है, सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। इसी तरह से जो शिष्य है उसके भीतर ज्ञान की सृष्टि करने वाला तो गुरु है, इसलिए गुरु ब्रह्मा सदृश है। गुरु विष्णु, गुरु को विष्णु स्वरूप कहा गया। जिस तरह से विष्णु सृष्टि के पालक है, उसी तरह से गुरु भी शिष्य के भीतर संस्कारों का विकास संवर्धन करने वाला है, उनको पोषित करने वाला है, इसीलिए गुरु को विष्णु कहा गया। और गुरु देवो महेश्वर, और गुरु को ही महेश्वर कहा गया जो सृष्टि का संहार करता है। तो गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म स्वरूप है। परम ब्रह्म को तो किसी ने ही नहीं देखा, वे सूक्ष्म है, उसकी अनुभूति होती है, पर गुरु तो साक्षात अभिव्यक्त रूप में ब्रह्म का ही अभिव्यक्त रूप है। ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। और गुरु को ही मुक्ति प्रदाता कहा गया सभी बंधनों से, चाहे वे सांसारिक बंधन है, भौतिक बंधन है, या आध्यात्मिक बंधन है, अध्यात्म के क्षेत्र में बंधन है, उन सबको दूर करके सभी बंधनों से, सभी कष्टों से, सभी विघ्नों से मुक्त करने वाला गुरु है, इसलिए गुरु को मुक्ति प्रदाता कहा गया। उपनिषद में कहा गया, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि गुरु का जो स्वरूप है, गुरु का जो व्यक्तित्व है, वे क्या है, ध्यान का मूल है, उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब शिष्य अपने गुरु के स्वरूप में ध्यान केंद्रित करता है तो उसे साक्षात ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु पदम, गुरु के चरण कैसे हैं, पूजनीय है, पूजा मूलम, उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाना चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु सदैव अपने शिष्य के लिए हितकारी होता है, गुरु सदैव शिष्य के लिए शुभ करने वाला होता है। तो गुरु का प्रत्येक वाक्य शिष्य के लिए मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की जो कृपा है, गुरु का जो अनुग्रह है, कहते बिन गुरु ज्ञान न होई, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो गुरु का अनुग्रह, गुरु का आशीर्वाद मोक्ष प्रदाता है, मोक्ष का मूल है, इसीलिए गुरु को मुक्ति प्रदाता कहा गया। उपनिषद शब्द ही इसलिए बना,
गुरु के उपसमीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना, ये उपनिषद है। और ये पूरी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरा जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में विकसित हुआ है, संवाद के रूप में हस्तांतरित हुआ है। और संस्कृत साहित्य हम देखें, पाली प्राकृत में रचित साहित्य देखें, या हम आधुनिक हिंदी साहित्य में मध्यकाल में देखें, कोई भी रचनाकार जब भी रचना अपनी लिखने लगता है, रचना की सर्जना करने लगता है, तो वह मंगलाचरण में गुरु के प्रति अपना आदर भाव, अपने सम्मान के भाव को प्रकट करता है। गोस्वामी तुलसीदास भी जब अपने उत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस की रचना करने लगे तो मंगलाचरण में वे वहां पर भी गुरु की वंदना करते हैं और गुरु को वे नर रूप में साक्षात हरि कहते हैं। कि हरि को तो नहीं देखा पर जो गुरु है वो साक्षात नर रूप में आए हैं। तो इसीलिए वे अब गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं कि बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कि गुरु के पद कंज, पद कंज चरण कमलों, कंज होता है कमल, गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। वे गुरु कैसे है? कृपा सिंधु, कृपा के सागर है, नर रूप हरि, साक्षात ईश्वर के ही अवतार हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। और वे गुरु क्या करते हैं? महामोह तम पुंज, मोह रूपी जो गहन अंधकार है, तम अंधकार का पुंज है, उनको अपने वचनों से दूर करने वाले हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं। कैसे? रवि कर निकर, सूर्य की किरणों के समान। जैसे प्रातः काल में सूर्य जब उदय होता है, सूर्य की किरणें जब आकाश में आती हैं, तो फैला हुआ रात्रि का पूरा घना अंधकार दूर हो जाता है। इसी तरह से शिष्य के अंतःकरण में जो मोह का, अज्ञान का, अनभ्रम का अंधकार है, उसे गुरु अपने वचनों से दूर करते हैं। इसीलिए उपनिषद में भी जब गुरु के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, गुरु के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, तो गुरु से क्या प्रार्थना की जाती है? असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर मा अमृतम गमय। कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए। शिष्य जो असत्य के आवरण से घिरा हुआ है, उसे असत्य का आवरण हटाकर सत्य की ओर ले जाने वाला गुरु है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाने वाला गुरु है। तो बिनु गुरु हो ही ना ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसीलिए गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव और गुरु की महिमा का गान हमारे भारतीय साहित्य में प्रभूत मात्रा में मिलता है। ऐसे ही जो हमारी संतों की एक पूरी परंपरा रही मध्यकाल में, नामदेव को ले ले, रामानंद को देखे, एकनाथ देखे, आगे चल करके कबीर है, रविदास है, दादू दयाल है, गुरु नानक देव है, सुंदरदास आदि, सहजोबाई, पलटोबाई, पलटूबाई आदि, सभी संतों ने अपनी वाणियों में गुरु की महिमा का बखान किया है, गुरु का वर्णन किया है। कबीर तो गुरु को गोविंद से, परमात्मा से भी ऊपर स्थान देते हैं, गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। वे तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हों तो मैं किसके पैर स्पर्श करूंगा, किसके चरण स्पर्श करूंगा? तो वो कहते हैं, मैं पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि परमात्मा तक, गोविंद तक मिलाने का जो मार्ग है,
रास्ता है वह गुरु ने ही दिखाया है। तो इसलिए मैं अपने गुरु पर समर्पित जाता हूँ जिन्होंने गोविंद से साक्षात्कार करा दिया, जिसने प्रभु से मिलन करा दिया। इसी तरह से एक और चर्चा भी आती है, चरणदास जी की प्रसिद्ध शिष्या थी सहजोबाई, अपने गुरु चरणदास के प्रति उनके मन में असीम भाव था और वह चरणदास जी को अपने कुटिया में आमंत्रित करते हैं। और सहजोबाई स्वयं भी उच्च कोटि की साधिका थी, तो वह देखती हैं प्रातः काल में एक और गुरु चले आ रहे हैं और दूसरी ओर प्रभु चले आ रहे हैं। तो अब सामान्य व्यक्ति के मन में दुविधा हो सकती है कि वो किसकी वंदना करे, पर सहजोबाई के मन में कोई दुविधा नहीं है। वह अपने गुरु चरणदास जी के चरण स्पर्श करती है और गोविंद से कहती है, परमात्मा से कहती है कि मेरे गुरु इतना दूर से चल के आए हैं तो उन्हें पंखे की ठंडी हवा दो। तो गुरु को गोविंद से भी ऊपर माना है। सतगुरु की महिमा अनंत, गुरु की महिमा तो अनंत है, उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अनंत किया उपकार, गुरु तो अनंत उपकार करने वाले हैं। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावणहार, कि अनंत लोचनों को, अनंत मतलब जो हमारी भौतिक आंखें हैं इनसे हम उस सूक्ष्म को दर्शन नहीं कर सकते, तो उसके लिए अंततम में झांकने के लिए, अंतर अपने भीतर झांकने के लिए जिन आंखों की आवश्यकता है वह ज्ञान की आंखें गुरु प्रदान करते हैं। तो इसलिए गुरु की महिमा का बखान किया गया है। गुरु की जो सामर्थ्य है, गुरु की जो योग्यता है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, वे असीम है। और अपने गुरु के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति शिष्य के मन में एक समर्पण का भाव, न्योछावर होने का भाव, कृतकृत्य होने का भाव होना चाहिए। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कई बार, कि दिन रात देवहाड़ी दिन रात कई बार, एक बार नहीं दो बार नहीं अनेक बार मैं गुरु के चरणों में न्योछावर जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान प्रदान करके एक सामान्य मनुष्य को दैवीय गुणों से युक्त कर देते हैं, उसमें देवत्व का विकास करते हैं। जिनी मानिशते देवता करत न लागी बार, कि वे उसे मनुष्य से दैवीय गुणों से युक्त करने में देर नहीं लगाते हैं। तो ऐसे गुरु जो शिष्य के को ज्ञान संपन्न करते हैं, अपनी ज्ञान मंजूषा में से ज्ञान के मोती प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु के प्रति सभी संत बलिहारी जाते हैं। संत परंपरा ने तो गुरु की महिमा का बखान किया ही है, यहाँ तक कि सूफी कवि भी, वे भी जब अपनी रचना करते हैं तो वह भी अपनी रचना के प्रारंभ में गुरु वंदना करते हैं। चाहे आप जायसी का पद्मावत देखिए, दाऊद का चांदायन देखिए, मंजन की मधुमालती देखिए, सभी में गुरु के प्रति असीम प्रेम भाव प्रकट किया गया है। जो गुरु है या शिक्षक है, वे समाज का शिष्य का निर्माता भी है और विध्वंसक भी है। प्रलय और निर्माण दोनों की शक्तियां उसमें हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में पलते हैं, सदैव उसके साथ रहते हैं। तो शिष्य को शिक्षक चाहे तो उसका विकास कर सकता है, और शिष्य शिक्षक ही चाहे तो वह उसका विनाश भी कर सकता है, विध्वंसकारी भी हो सकता है। आज शिक्षा देखिए, वही शिक्षा प्राप्त करके एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और दूसरा उसी शिक्षा को गलत कार्यों में प्रयोग करता है, उसका नकारात्मक लेता है तो आतंकवादी भी बन जाता है। और इसीलिए जो शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करके, स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य भी आए, शिक्षा प्राप्त करके एकलव्य जैसे शिष्य भी बने, और वही शिक्षा प्राप्त करके अनेक आतंकवादी चोर डाकू भी बने। तो शिक्षा प्रलयकारी भी है और
निर्मात करना भी है। महर्षि अरविंद के शब्दों में अगर हम कहें तो शिक्षक जो है वे समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला है। शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। जिस तरह से माली बाग में वो एक छोटे से बीज से एक वृक्ष पैदा करता है, वृक्ष को उत्पन्न करता है, फल फूलों से युक्त करता है, इसी तरह से कच्ची मिट्टी के रूप में एक बालक शिक्षक के पास आता है और वे उसे संस्कार दे करके, उसका संवर्धन करके उसको समाज में रहने योग्य बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में परिवर्तित करते हैं। शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। तो राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों के हाथ में ही होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षक को बहुत महत्व दिया गया है, गुरु की महिमा का बखान किया गया है और गुरु के प्रति आभार भी प्रकट किया गया है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने उन सभी गुरुओं को सम्मान पूर्वक, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो आज के इस वक्तव्य को अभी हम यहीं विराम देते हैं। भारत में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी रही और गुरु शिष्य परंपरा कैसी रही, इस पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद।